मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इस देश में अगर सबसे खतरनाक कोई आतंकवादी संगठन है वो है दलाल गोदी मीडिया। मणिपुर पिछले 40 दिनों से जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये दलाल गोदी मीडिया ना गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं, ना इनकी औकात है कि उनसे सवाल पूछ सके स्टूडियो में बैठकर या सामने से। ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और ये लाशों के ऊपर में मंडराने वाले गिद्ध हैं। अगर आपको ये लग रहा होगा कि दलाल गोदी मीडिया को मैं दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन क्यों कह रहा हूं, तो इस बात को याद रखिएगा कि लाशों के ऊपर राजनीति करना और अपनी मनमानी करना ये किसी आतंकी संगठन का ही काम हो सकता है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, हजारों लोगों की मौत होती है, बताया जाता है 100-200। कोई टेक्निकल सवाल नहीं किया जाता, किसी भी तरह का साइंटिफिक उस पर रिसर्च हो उस पर बात नहीं किया जाता, लेकिन दलाल गोदी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ तलवा चाटना है। मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है दलाल गोदी मीडिया है, और भाजपा सरकार तो पूरी तरीके से फेल है। नरेंद्र मोदी आते हैं और मन की बात करते हैं, लेकिन किसी भी तरह के जनता के भलाई की बातों को वो सामने नहीं रखते, ना जनता के सवालों को सुनते हैं। लगातार मणिपुर जल रहा है पिछले 40 दिनों से, 100 से ज्यादा लोगों की लाशें बिछ चुकी हैं, लेकिन कोई सवाल करने वाला दलाल गोदी मीडिया सामने नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में पॉलिटिकल पार्टी जो भाजपा है वो तो है ही, जो इस देश को बर्बाद कर चुकी है और फेल कर चुकी है हर चीज में, अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों को। देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास दो वक्त की रोटी खाने को भी नहीं है लेकिन अमन शांति से आप हैं, आपसी सौहार्द मोहब्बत के साथ है, तो फिर भी लोग जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक काम किया जा रहा है, इन दलाल गोली मीडिया को रवांडा मीडिया बना दिया गया है, रवांडा रेडियो बना दिया गया है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि किसी तरीके से देश के अंदर में अशांति फैली रहे, एक तनावपूर्ण माहौल बना रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगी रहे और उसके बाद से ये फायदा उठाते रहे अपने राजनीतिक तौर पर। और याद रखिएगा मैं क्यों आतंकवादी संगठन कह रहा हूं इस दलाल गोदी मीडिया को, क्योंकि आज न कल ये दलाल गोदी मीडिया इतना घटिया माहौल देश का बना देंगे कि लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और लाखों लोगों की जाने जाएंगी इसकी वजह से। इस बात का याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।